अब यहाँ पर ये डेसिमल लगा हुआ है और मुझे डेसिमल को सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैं पहले इस डेसिमल को रिमूव कर देती हूँ। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो इसके नीचे हमारा आ जाएगा 10। 10 × 100 करना है तो इसको करने के लिए हम 1 लिखेंगे और इसके पीछे जितने जीरोज हैं उतने जीरो हम इसके पीछे लगा देंगे। यहाँ पर 3 जीरो हैं। अब ये एक फ्रैक्शन में है, एक नहीं है, इन दोनों को ऐड करना है तो 1 का डिनोमिनेटर भी हमको 1000 बनाना पड़ेगा। तो मैं 1 को 1000 से डिवाइड कर देती हूँ। डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, +25/1000 तो है। अब 1 × 1000 हमारा 1000 के इक्वल होता है, +25/1000। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम इसको 1000 + 25 कर सकते हैं जो कि हमारा इक्वल आएगा 1025 के। अब यहाँ पे इसका हो रहा है होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है कि 1025 का स्क्वायर, यानी हम 1025 × 1025 लिख सकते हैं। सिमिलरली नीचे भी है तो इसको हम 1000 × 1000 लिख सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो रहे हैं तो उसको तो हटा देते हैं। बाकी इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करते हैं। 1025 को 1025 से, 5 5 = 25, 5 2 = 10, 11 12, 5 0 से 0 और 1 1 ही आएगा, 5 1 = 5, 2 से करेंगे तो 2 5 होता है 10, 2 2 = 4 और 1 5, 2 0 = 0, 2 1 = 2। अब 0 से करेंगे तो ये चारों 0 ही आएंगे और 1 से करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, 5 2 0 और 1, यानी कि ये आ गया 5, ये 2 5 और 1 6, ये हो जाएगा 10, ये 5, ये 0 और ये 1, यानी कि ये आ जाएगा 5 0 6 × ये है 1050625/1000 के इक्वल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1050625 को मल्टीप्लाई करना है 506 से। 6 5 होता है 30, 6 2 = 12, 13 14 15, 6 6 = 36 और 137, 6 0 = 0 और 3 3 आएगा, 6 5 = 30, 6 0 = 0 और ये 3 कैरी था, 6 1 = 6। अब 0 से करेंगे तो ये 0 ही आएंगे सारे। 5 से करना है, 5 5 होता है 25, 5 2 = 10, 11 12, 1 कैरी, 5 6 = 30 और 131, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 5 = 25, 2 कैरी, यहाँ पे 2 आएगा, 5 1 = 5, इसको ऐड करेंगे तो 0, 5 7 और 5 हमारा आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, ये 1 6 11 3 और ये 5, यानी ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब नीचे 1000 है, इसको रिमूव करने के लिए हम ऊपर राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे क्योंकि नीचे 3 जीरो है, तो डेसिमल हमारा आ जाएगा यहाँ पर, तो ये कुछ इसके इक्वल हो गया। यहाँ पे लास्ट में 0 भी है लेकिन क्योंकि लास्ट में 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। यानी कि जो बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे 2 घंटे के बाद वो इतने हो जाएंगे। अब लेकिन नंबर ऑफ बैक्टीरिया डेसिमल में तो नहीं हो सकते, या तो 1 बैक्टीरिया होगा या 2 होंगे 3 होंगे, 1.5 बैक्टीरिया तो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। यानी कि जो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हमारे हो जाएंगे वो होंगे इसके इक्वल।